Assalamualaikum viewers, welcome to vlogging with Shazia. आज आपके लिए हम बनाने जा रहे हैं चिकन शवारमा। बहुत मज़ेदार सी और चटपट तैयार होने वाली एक और रेसिपी है। तो सबसे पहले हम शुरू जो है अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। मैंने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस, धो के रख लिया था। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पीसेस ही इसमें जो है इस्तेमाल होंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, 7 हम इसमें डालेंगे शवारमा का मसाला। अगर आपके पास मसाला ना हो तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी 1/2 चम्मच, मसाला 1 चम्मच, खुशक धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक उसपे जायका 1, मैंने आधा से ज्यादा थोड़ा ज्यादा चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज करेंगे। और रेड मिर्च 1 चम्मच। साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पाउडर। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके रखेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया, अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। लीजिए जी, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पैन लेते हैं, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, हम तो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो उसमें ऐड कर लेंगे। एक कप बड़ा शिमला मिर्च का वो काट के रखा था, साथ मैंने प्याज ये ऐड कर लेंगे अच्छे से चॉप की हुई है। और साथ हम एक बाउल जो है टमाटर
कलर आ रहा है। इसको 2-3 मिनट के लिए हम मज़ीद भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। जी चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अब हम ने एक अलग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, एक चम्मच, ग्रीस कर लेंगे जैसे। अब हमने पिज्जा ब्रेड ली है, पिज्जा ब्रेड अवेलेबल हो या पिज्जा ब्रेड। चिकन फजीता स्प्रेड इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे तरह से हमने इसको फील कर लिया है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढांक कर रख देंगे। इस जो रह गई थी वो थे चिली फ्लेक्स, वो लास्ट में ऐड करें अपने फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। अब ढक देते हैं 3-4 मिनट के लिए। लीजिए पिज्जा शवरमा बनकर तैयार हो गया है। इतनी यम्मी और खूबसूरत इसकी जो है लुक है, चीजी सा बहुत ही जबरदस्त लुक, और टेस्ट भी इसका बहुत मजेदार है। चलें जी काट कर देख लेती है।
मस्त आई है, और जरूर से घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और हाइजेनिक। आज की मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ऐसे मस्ट है ट्राई करना। इंशाल्लाह फिर जल्द ही नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।